राज्य में हुए सबसे बड़े पोस्ट ऑफिस घोटाले की फरार आरोपी आकांक्षा पांडे ने रायपुर कोर्ट में सरेंडर किया है। आरोपी महिला पिछले 15 महीनों से फरार चल रही थी। वहीं लोअर कोर्ट में लगी जमानत याचिका भी खारिज हो गई, जिसके बाद पुलिस आरोपी महिला को गिरफ्तार कर ली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में बेल एप्लीकेशन खारिज होने के बाद रायपुर कोर्ट में सरेंडर किया है। पूरा मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पोस्ट ऑफिस घोटाले में राजधानी समेत प्रदेश के 100 से अधिक लोगों के 20 करोड़ रुपयों से ज्यादा की ठगी कर आरोपी आकांक्षा पांडे फरार हुई थी। रायपुर के सरस्वती नगर थाना में पति भूपेंद्र पांडे, उसकी पत्नी आकांक्षा पांडे समेत उसके एजेंट प्रीतम सिंह ठाकुर के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। फरारी के दौरान आरोपी भूपेंद्र पांडे ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी की थी। वहीं एजेंट प्रीतम सिंह ठाकुर जेल में बंद है। सरस्वती नगर थाने का मामला है, पोस्ट ऑफिस घोटाले का मामला हुआ, जिसमें लगभग 100 लोगों से 20 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। उसमें जो मुख्य आरोपी है, उसकी तो मृत्यु हो गई है, लेकिन उसकी पत्नी भी उसमें सह आरोपी है, आकांक्षा पांडे। इस पर जो है माननीय न्यायालय द्वारा अभी गिरफ्तारी से रोक लगी हुई थी, इनका गिरफ्तारी से रोक हटते ही जो है कल ये कोर्ट में सरेंडर करी है और इनको जो है गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।